आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी गई है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। मायावती की पार्टी बसपा अब हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेंगी। मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बसपा जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोकतंत्र में चुनाव की अहम भूमिका, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव। अतः लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा आम चुनाव के लिए आज तिथि की घोषणा का स्वागत, ताकि वहां संविधान के हिसाब से राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियां जड़ पकड़ सके और बीएसपी ये चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं मायावती ने आगे लिखा कि हरियाणा राज्य में एक चरण में होने वाले विधानसभा आम चुनाव का भी स्वागत। यहां बीएसपी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मजबूत गठबंधन पहले से जमीन पर सक्रिय है, जिसका संकल्प पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़कर खुद अपनी गठबंधन की सरकार बनाने का है। आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 74 जनरल, 9 एसटी और 7 एससी सीटें हैं। इन चुनावों के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 11,838 मतदाता केंद्र बनाए जा रहे हैं और ये मतदाता केंद्र कुल 9,169 स्थानों पर बनाए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने इस बार 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।